So welcome to the another video talk bus. I'm gonna whips up your breath with a new exciting automotive video. So आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको 2021 में पोलो जीटी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं पोलो जीटी एडिशन की बात करूंगा और जो उसके दूसरे जो एडिशन आते हैं उसकी बात नहीं करूंगा. स्पेशली मैं आज बात करने वाला हूँ जो मैट एडिशन है जो रिसेंटली लॉन्च करा गया है बाई फोक्सवैगन. तो आज मैं उसी कार के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. तो बेसिकली जो रिसेंटली मैट एडिशन लॉन्च हुआ है उसके अंदर सिर्फ माइनर चेंजेस करे गए हैं बॉडी में, और बाकी आपको पूरी बॉडी में आपको मैट एडिशन का जो मैट कलर है वो देखने को मिलेगा. सिर्फ तीन जगह ऐसे हैं जहां पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी. सो अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा. सो बेसिकली जो मैट एडिशन है उसके अंदर आपको जो फ्रंट की ग्रिल रहेगी वो क्रोम में ही मिलेगी. और दूसरी चेंज ये है कि जो मैट एडिशन का जो ORVM कवर है वो आपको ब्लैक में फिनिश में मिलेगा. एंड जो तीसरी चीज़ है वो है उस गाड़ी का मैट एडिशन का स्पॉइलर, ये भी आपको सिर्फ ब्लैक में ही देखने को मिलेगा, यानी ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा, मैट ब्लैक नहीं मिलेगा. ये तीन ऐसे मैट एडिशन की फीचर है जो आपको GTTSI में देखने को मिलेगा, जो कि मैट फिनिश में नहीं है, नॉर्मल ग्लॉसी ब्लैक में है. सो ये जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं गाड़ी का, और ये जो आप उसके अंदर इंफोटेनमेंट सराउंडिंग्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगी, ना कि मैट फिनिश. तो ये एक लास्ट फीचर था इस गाड़ी का जो कि ग्लॉसी ब्लैक में आता है. नाउ सेकेंड थिंग ये कि इस गाड़ी का जो आपको मैट एडिशन में जो इंजन मिलेगा उसके स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम है एज कम्पेयर टू जीटी एडिशन. और बाकी उसके अंदर आपको मैट एडिशन में 110 bhp का पावर मिलेगा, 175 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. सो अब मैं आपको चला के गाड़ी तो बताऊंगा नहीं, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको भूख लग रही हो और मैं यहाँ से आपको खाना दिखाऊंगा तो आपको खाने का टेस्ट या आपकी भूख तो मिटेगी नहीं. वैसे ही जब तक आप पोलो जीटी एडिशन को चला के नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, वरना आप दूसरे जो साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं जैसे ह्युंडई की एनलाइन उसके ऊपर स्विच करने से अच्छा है कि आप पोलो जीटी TSI एडिशन लें. आपको उससे ज्यादा पावर मिलेगी, रोड अपीयरेंस बहुत अच्छा है गाड़ी का. एंड द थर्ड थिंग इज कि आपकी जो रोड ग्रिप है वो एज कम्पेयर टू एनलाइन पोलो जीटी की काफी ज्यादा स्टेबल है. 2021 से पहले जो पोलो जीटी एडिशन आते थे उसके अंदर आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता था, बट 2021 में इसको चेंज कर दिया गया है, ये 1 लीटर का इंजन कर दिया गया है अब, जो कि प्रोड्यूस करता है 110 bhp, जो कि पुराने जीटी एडिशन से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है. और पहले इसके अंदर जीटी एडिशन में आपको DSG ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स देखने को मिलता था, वो अब आपको 2021 जीटी एडिशन में देखने को नहीं मिलेगा. ये इसको कन्वर्ट कर दिया गया है बाय टॉर्क कन्वर्टर, जो उसका ट्रांसमिशन है उससे इसको रिप्लेस कर दिया गया है. और ये टॉर्क कन्वर्टर DSG से ये बोलूं कि मैं बेहतर तो नहीं है लेकिन उसी की तरह परफॉर्म करता है. नाउ DSG से इसका टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन का कंपैरिजन करें तो आपको इसके अंदर उस जैसे टर्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे जो आपको DSG गियरबॉक्स में देखने को मिलते थे. बाकी टॉर्क कन्वर्टर में आपको ये भी फील नहीं होगा कि आप DSG से लेस कंपेरेबल या लेस परफॉर्मेंस वाला गियरबॉक्स यूज कर रहे हैं, बट हाँ ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है और आपको थर्ड्स देखने को हल्के से मिलेंगे पोलो जीटी एडिशन में. सो ये है टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स, ये बेसिकली 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इस गाड़ी का. नाउ अब बात करते हैं कि ये एक जर्मन ब्रांड है जो दूसरे साउथ कोरियन कंपनी जैसे ह्युंडई वगैरह से बेटर इसकी आपको गाड़ियां और इसका जो क्वालिटी है वो आपको उससे बेटर ही मिलेगी. नाउ अब काफी लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि भाई जर्मन ब्रांड है और जो साउथ कोरियन ब्रांड्स के कंसल्टेंट्स रहते हैं वो ये बोलेंगे आपको कि भाई उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा रहता है, आप साउथ कोरियन ब्रांड को चूज करें. नाउ लेट मी टेल यू कि जो अब जो पोलो और दूसरी जो जर्मन ब्रांड्स की गाड़ियां, अगर मैं स्पेसिफिक पोलो जीटी एडिशन की बात करूं तो उसका ईयरली आपको मेंटेनेंस कॉस्ट अराउंड 6,000 to 7,000 पड़ेगा, जो कि काफी मिनिमम है एज कम्पेयर टू द अदर व्हीकल्स जो साउथ कोरियन ब्रांड्स की आती हैं. बाकी आपको यहाँ पे रोड परफॉर्मेंस काफी बेटर मिलेगा,
रोड अपीयरेंस आपको काफी बेटर मिलेगी। नाउ दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि जो एन लाइन है, अगर आप i20 को अबव 60-70 के ऊपर ले जाओगे और उसके अंदर आपको अगर हार्ड टर्न लेना पड़ेगा तो गाड़ी आपकी ऑलमोस्ट डिसबैलेंस हो जाएगी। और अगर आप पोलो जीटी एडिशन को अगर आप कंपेयर करेंगे उससे, तो इंडियन जो रैलीज होती हैं उसमें आपको i20 कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली लोग प्रेफर करते हैं पोलो को, क्योंकि पोलो का रोड ग्रिप काफी बेटर है, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू द एन लाइन और जो दूसरे इसके कंपेरेबल जो गाड़ियां हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप पोलो जीटी एडिशन पे ही जाएं, दूसरे आप ब्रांड्स के ऊपर फोकस ना करें। वो आपको भले ही मैनुपलेट कर सकते हैं कि भैया उसकी जो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा रहेगी, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। 6,000 to 7,000 ईयरली ये एक जर्मन ब्रांड के हिसाब से बहुत कम खर्चा है उसका। सो आई विल रिकमेंड कि आप पोलो जीटी एडिशन को चूज करें।